धामी शनिवार को हल्द्वानी पहुंची, जहां सीएम धामी ने एएफटीआई सभागार में अधिकारियों के साथ बिजली कटौती और कैंची धाम में लगने वाले मेले के संबंध में तैयारी को लेकर बैठक ली। बैठक के दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को पूरी तत्परता से यातायात और पर्यटन सीजन की समस्या का समाधान ढूंढने के निर्देश दिए। बिजली संकट, पेयजल संकट हो रहा है, आज आपने अधिकारियों के साथ बैठक की है, किस तरह के दिशा निर्देश हैं? देखिए, ये अत्यधिक लोड होने के कारण से, ज़्यादा दबाव होने के कारण से ट्रांसफार्मर इत्यादि बार बार खराब हो रहे थे, लाइन लॉसेज ज़्यादा है, उसको ठीक करने के लिए कहा है और विभाग जो है उस पर योजना बनाएगा। और फिलहाल शॉर्ट टर्म जो अभी तात्कालिक जो परेशानी है, उस परेशानी से हमने कहा है कि उसका रास्ता निकाला जाए, जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो। और उसके अलावा दीर्घकालिक योजना पर काम होगा, और उसमें UPCL और पिटकुल दोनों ही मिलकर इस पर काम करेंगे, जिससे कि जो है जो नए जो बिजली घर बनाए जाने हैं उन पर भी काम होगा, और सब स्टेशन इत्यादि जो बनने हैं। कल भी मैं इसमें एक मीटिंग करूंगा, और आज देहरादून में मैं प्रातःकाल यहाँ आने से पहले इस संबंध में मैंने सारे दिशा निर्देश ऊर्जा सचिव को और ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारियों को दिए हैं।